लकड़ी डंडे लेके पहुंचे जी। चाकू भी था बता रहे हैं, चाकू भी था उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। लेकिन एक खास बात है गिरीश भाई, इसमें बीजेपी पीछे हटती नजर आ रही है पूरे गुजरात में और इंडिया में। यहाँ कोई स्टैंड बाई सोनसो नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पे तो हालत ऐसे हो गए। एक्चुअली हो सकता है पुलिस वालों को पता नहीं था कि किसको मार रहे हैं, पत्थर किसको मार रहे हैं, कि इंडियन मुस्लिम्स हैं बाहर के मुस्लिम्स हैं। उनकी बदकिस्मती है सब फॉरेनर निकल आए जिनको चोट लगी एक्चुअली देखा जाए तो उस टाइम। अभी सारी बीजेपी बचती नजर आ रही है पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में एक भी डिबेट नहीं है इसके ऊपर। मैं आपको बताऊं वो डिबेट करने को तैयार नहीं चैनल इसके ऊपर आज की तारीख में। अब कोई हैशटैग नहीं आ रहा है कि आई सपोर्ट विद गुजरात पुलिस, आई सपोर्ट विद सो एंड सो, आई स्टैंड विद सो 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 एंड सो, बजरंग दल एंड वीएचपी ऑफ द गुजरात। सर वो हैशटैग भी नहीं आ रहा, पीछे हट गए सारे एकदम से। बीजेपी का सुना है कोई एक बंदा बात करने को भी तैयार नहीं है। और बाकी एसबीआई का मैटर भी है, उस पर भी आप बात कीजिए और इस पर भी आप थोड़ी सी बात कीजिए सर। गिरीश भाई दिनेश जी, ये 7 साल से आप एक सिस्टम समझ लीजिए, मुस्लिम्स के जो इंटेलेक्चुअल्स और जो इनके ये एडवाइजरी फोरम्स हैं, दे हैव लॉन्ग बैक डिसाइडेड दे वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। आप आसाम से देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, इन्होंने हर स्टेट में एक एक एपिसोड ऐसा करने की कोशिश करी जहां पे वो मुस्लिम्स एग्रीवेट हो जाए, नहीं हो पाया। लास्ट इनका होम टाउन में भी इन्होंने करा, नहीं हो पाया। तो कल भी मैं किसी पे बता रहा था कि आई हैव टॉक टू मेनी पीपल, फिशरीज का पूरा गुजरात बॉर्डर पे जितने भी गांव थे उन सबको इन्होंने बिल्कुल इंटेलिजेंटली खत्म कर दिया। पावर सेक्टर सीमेंट फैक्टर के जो कूलिंग टावर के पाइप्स थे वो 12-12 किलोमीटर दूर से लाके इन्होंने किनारे पे छोड़ दिया था कि वहां मच्छियां मर गई, दे लॉस्ट द बिजनेस, ऐसे करके उनको हटा रहे थे। इतना सब होने के बाद रातों रात ठंडी के टाइम पर वो जाके उन्होंने उनकी कॉलोनियां बसवाट तोड़ दी। हालांकि हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर तुम्हारे पोर्ट या किसी एस्टेब्लिशमेंट के पहले वहां पे फिशरीज कॉलोनी है तो यू कैन नॉट डिस्टर्ब दिस, उनको आप मूल निवासी बोल सकते हैं। तो इसको इन्होंने बाईपास करके एक ऑर्डर निकाला है, अभी ये कर रहे थे। तो आई टॉक टू देम, उन्होंने कहा कि देखो ये चाहते ही है कि हम लोग कुछ बदमाशियां कर दें। और उन्होंने काफी मेरे केसेस बताए जिसमें आरएसएस के बंदे टोपी लगा के जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। वो हमने दिल्ली में भी देखा, यूपी में भी देखा, जहां पर भी होता है आपने राजस्थान में देखा। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हट जाके ये इनको प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन समथिंग हैज गॉन वेरी डिसाइसिवली कि ये लोग प्रोवोक नहीं होंगे। तो इतने सालों से जो सहन कर गए वो मेरे ख्याल से अभी आप 1.5-2 महीना कर लेंगे। अभी भी इन्होंने एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया बोलने के कि अभी ये सहन कर रहे हैं लेकिन जिस दिन सरकार बदल जाएगी उस दिन ये सबको मारेंगे। वो सबको क्यों मारेंगे, सब कौन से उनको मारने जा रहे हैं? तो ये काफी अभी प्रेशर में है कि ये जो इनकी सारी जो, क्योंकि राम मंदिर फेल हो गया इनका सारा, जो उन्होंने पहले मुस्लिम के घर में 3 तलाक करके घुसने लगा कि आदमियों से आदमी बीबियों से डरने लगेंगे, तो इनका जो पूरा माइंडसेट है उसमें से वो डेविल्स वर्कशॉप है, इसमें से अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे, डेवलपमेंट के आइडियाज नहीं आएंगे। इनका अभी भी एक वो हिंदुत्व वाला जो इन पे नशा चढ़ा हुआ है उसी को, ये देश से परवाह ही नहीं कर रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टेट बैंक का तो आप देख लीजिए सर, अभी इन्होंने आते ही एक नया प्रोसीजर चालू किया था 2016-17 में, मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस पेनल्टी। इन्होंने 6 महीने में 1775 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ने कमाया मिनिमम बैलेंस में। तो मिनिमम बैलेंस में आज 3,000 रुपया कौन नहीं रख सकता है, जो बंदे को खाने के भी बांधे, आपने उनको भी लूट लिया। तो ये पब्लिक डोमेन में ओपोजिशन और इनका काम है कि ये बताएं, इनको बाद में एहसास करने लगा 45 करोड़ आपके कस्टमर्स है, आपके मिनिमम बैलेंस के चक्कर में आपने उनसे भी 1780 करोड़ रुपए ले लिए, फिर बाद में आपको बंद करना पड़ा। तो ये इनका जो नैरेटिव बहुत क्लियर है कि जहां से पैसा मिलता है वहीं से लपेट लो, जितना मिलता है उतना लपेट लो। तो स्टेट बैंक अगर आप वैसे देखने जाओ तो इनका पब्लिक डीलिंग में तो एवरीवेयर यू फाइंड इज अ डिससैटिस्फेक्शन। उनका पब्लिक डिस्कोर्स देख लो, व्हाट इज देयर अप्रोच टू द कस्टमर्स, क्योंकि दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द अकाउंट्स और उनका रनिंग में। बाकी सब देख लीजिए HDFC वगैरह, क्योंकि उनको पब्लिक में जाना पड़ता है, दे वॉन्ट बिजनेस, इनको नहीं पड़ी है, वो गवर्नमेंट अकाउंट होल्डर्स है, उनका तो अकाउंट वैसे ही चल रहा है एज ए गवर्नमेंट बैंक। तो उनका जो अप्रोच था दैट ऑल्सो इज गॉन। अभी उनको ये सब देखने के बाद कि प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा कमा रही है, तो दे हैव स्टार्टेड अ पोर्टल कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप इस नंबर फोन करिए, आवर ऑफिसर्स विल इमीडिएटली गेट इन टच विद यू एंड आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड दे विल सॉल्व। आई डोंट थिंक उसका कोई रिपोर्ट। और एंड में तो अब यह आ गया कि उन्होंने मिनिमम बैलेंस रिकवरी से SMS के चार्जेस वगैरह से उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, दे आर नॉट गिविंग द रिकॉर्ड। तो ये ऑब्वियस है, वंडर व्हाट प्रेशर दे आर,
और अभी जो कोर्ट ने बोल दिया उनको फाइनल, इफ दे वांट टू फाइल एफिडेविट, वो गलत एफिडेविट फाइल करने से तो रहे, ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने काफी मिसशिप कर ली, बट नाउ इट इज हार्ड टाइम फॉर देम एंड दे विल हैव टू रिवील दैट। जैसे मैंने बताया ये रिवील होने के बाद नंबर काफी कुछ स्केलेटन्स बाहर आएंगे, जिसमें ये 1-to-1 भी बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं, आप देखिए।